हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल गांव स्टाइल आलू पालक का साग। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ना ही ज़्यादा मसाले की ज़रूरत पड़ती है। बिना मसाले की इसे आप तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये साग बनता है। तो आइए इस साग को हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस पर एक बर्तन में तेल डालकर गरम होने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, हम इसमें अदरक और लहसुन, जिसे हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, तो यहाँ पर हमने 8 से 10 करी लहसुन और लगभग 2 इंच के करीब हमने अदरक के टुकड़ा को बारीक बारीक कट कर लिया है। दोनों चीज़ों को इसमें डाल देंगे। तेल यहाँ पर बहुत ही अच्छे से गर्म है, तो अच्छा से तेल को गर्म कर लेना है, तभी इसमें ऐड करना है। और यहाँ पर हमने बरी ऐड कर दिया है। बरी इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा मिर्च। तो हरा मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना तीखा खाते हों। सभी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें हींग डालेंगे। हींग इसमें ज़रूर ऐड करें, हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट, खुशबू और ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो इसमें हींग ज़रूर ऐड करें। सभी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे, लहसुन अदरक का कलर चेंज होने तक, मिर्ची का भी। ये देखिए, सभी चीज़ों का हल्का सा कलर चेंज हो जाने दें। यहाँ पर हमने इसे लगभग 1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को भी फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। इसी तरह से चलाते हुए हाई फ्लेम पर आलू को फ्राई कर लेना है। ये देखिए, 1 मिनट के लिए आलू को 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम बैंगन डाल देंगे और बैंगन को भी हम फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर ही। 1/2 मिनट के लिए बैंगन को फ्राई करेंगे आलू के साथ। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से पहले चला देना है ताकि सभी चीज़ें जो हैं आपस में अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद इसे ढक देंगे हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और 1 मिनट बाद इसका हम ढक्कन हटाएंगे। 1 से 1.5 मिनट तक इसे ढकना है और फिर से इस तरह से चला देंगे। ये देखिए, और आलू बैंगन को हम थोड़ा सा खुला ही से फ्राई करेंगे ताकि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए आलू बैंगन का। इसके बाद इसमें हम पालक डालेंगे। तो इस तरह से आपको पालक डाल देना है। यहाँ पर हमने पालक को अच्छे से धुलकर कट कर लिया है, उसके बाद हम इसमें ऐड किए हैं। इसके बाद हम सोया डालेंगे। सोया भी हमने अच्छे से धुलकर कट कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर हमने मेथी डाल दिया है, कटी हुई मेथी। सभी चीज़ों को अच्छे से धुल कर कट कर लेना है। इसके बाद इसमें ऐड कर देना है। अब इसके बाद इस तरह से हम सभी चीज़ों को मिलाएंगे। अभी सब्जी की क्वांटिटी जो है ज़्यादा लग रही है। अभी पालक, मेथी, सोया जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी होता है, तो जैसे ही इसका पानी धीरे धीरे निकलता जाएगा, ये अपने आप ही इसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती जाएगी। और यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम हाई रखा हुआ है। ये देखिए, इस तरह से इसे हम चलाते रहेंगे, अपने आप ही ये कम होता जाता है। ये देखिए, पहले से कितना कम हो गया। पालक को हमने नीचे कर दिया है और आलू बैंगन को ऊपर कर दिया इस तरह से। ये देखिए, अब इसे हम कवर करेंगे और हाई फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं नीचे से सब्जी जो है जलने लगेगी। 2 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएंगे और फिर से इसे हम चलाएंगे इस तरह से। ये देखिए, इसकी क्वांटिटी जो है पहले से हाफ हो गई है। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से सब्जियों को मिक्स कर देना है ताकि जो नीचे की सब्जी है ऊपर आ जाए और ऊपर की सब्जी जो है वो नीचे चली जाए, ताकि बराबर से सब्जी जो है वो पक सके। और यहाँ पर हमने ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं किया है, फिर भी इसमें कितना सारा पानी निकल रहा है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दिया है। अब नमक को भी अच्छे से मिला देंगे इस तरह से। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। आप एक बार इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और सभी चीज़ों को मिलाने के बाद फिर से इसे हम कवर करेंगे इस तरह से।
एक मिनट के लिए हमने इसे ढक दिया था, एक मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएंगे और अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 3 टमाटर को कट करके इसमें ऐड किया है और टमाटर को भी अच्छे से मिला देंगे सभी सब्जियों के साथ। और इसके बाद फिर से हम इसे ढक देंगे ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से इसे कवर कर देना है और गैस का फ्लेम हाई ही रखना है। तो एक मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएंगे और फिर से इसे मिला देंगे। ये देखिए टमाटर जो है सॉफ्ट हो गया है और सभी सब्जियों को इस तरह से मिला देना है। और अगर आप यहाँ पर चाहें तो एक चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा हल्दी पाउडर अगर आपको पसंद है तो, नहीं तो इसे ऐसे ही आप बनाइए बिना मसाले के। ये बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। और इस तरह से कवर करके पानी ख़त्म होने तक इसे पका लेना है। यहाँ पर हमने इसे अच्छे से पका लिया है। ये देखिए इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं दिख रहा है। अब इसे हम खुला ही पका लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। इस तरह से खुला इसे पकाने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इसे खुला ज़रूर पकाएं 1 से 1.5 मिनट। इससे सब्जियां जो है हल्का हल्का तेल छोड़ने लगेंगी। तब तक हमें इसे पका लेना है, तभी इसका टेस्ट जो है अच्छा आता है। ये देखिए यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और इसे खुला ही पकाएंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए, या फिर जब तक सब्जी जो है तेल ना छोड़ दे तब तक इसे पका लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे 2 मिनट के लिए पका लिया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सब्जी को हम खुला ही रहने देंगे, इसे कवर नहीं करेंगे या फिर ढकना नहीं है, नहीं तो इसमें जो है भाप बनेगी तो सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसे थोड़ा सा खुला ही छोड़ दें 5 मिनट के लिए, या फिर आपको इसे ढकना ही है तो आप इस तरह से ढकें। सब्जी को पूरा नहीं कवर करना है, आधा इसे खुला रहने दें और आधा इस तरह से ढक दें ताकि इसकी भाप जो है निकल जाए। और इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमारा साग बनकर तैयार हो गया है। हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और आप इसे रोटी के साथ, पूरी के साथ या फिर चावल के साथ इसे खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। चावल के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।